हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपको बताए थे हमने प्रक्षीर प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया के प्रकृति के आधार वर्गीकरण, जिसमें दो भाग बनाए थे, द्रव रागी कोलाइड और द्रव विरागी कोलाइड। आइए अब तीसरा देखते हैं, प्रक्षीर प्रवस्था के कणों के प्रकार के आधारित वर्गीकरण। प्रक्षीर प्रवस्था के कणों के प्रकार पर आधारित वर्गीकरण, इसमें कणों के प्रकार के आधार वर्गीकरण किया जाएगा, जिसको तीन भाग में बांटा गया है, बहुआणविक, बृहद आणविक और सहचारी कोलाइड। ठीक है, तो आइए इन तीनों के बारे में समझते हैं। प्रक्षीर प्रवस्था के कणों के प्रकार के आधार पर कोलाइडों को बहुआणविक, बृहद आणविक और सहचारी कोलाइड में वर्गीकृत किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि प्रक्षीर प्रवस्था के कणों के प्रकार के आधार पर कोलाइडों को तीन भागों में बांटा गया, बहुआणविक, बृहद आणविक और सहचारी कोलाइड के बारे में। तो आइए पहला देखते हैं बहुआणविक कोलाइड क्या होता है। बहुआणविक कोलाइड विलीन करने पर किसी पदार्थ के बहुत से परमाणु या लघु अणु एकत्रित होकर पुंज जैसी ऐसी स्पीसीज बनाते हैं जिनका आकार कोलाइडी सीमा में होता है। इस प्रकार प्राप्त स्पीसीज बहुआणविक कोलाइड कहलाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि विलीन करने पर, घोलने पर किसी पदार्थ के बहुत सारे परमाणु या लघु अणु क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और एकत्रित होकर पुंज जैसा एक स्पीसीज बनाते हैं, ठीक है, जिसका आकार जो है कोलाइडी सीमा में होता है। विलीन करने पर किसी पदार्थ के बहुत से परमाणु या लघु अणु एकत्रित होकर पुंज जैसी ऐसी स्पीसीज बनाते हैं जिसकी साइज या आकार कोलाइडी सीमा, ठीक है, व्यास लेस देन 1 नैनोमीटर में होता है, ठीक है, इसे बहुआणविक कोलाइड कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त स्पीसीज बहुआणविक कोलाइड कहलाती है। जैसे देखें उदाहरण, एक गोल्ड साल में अनेक परमाणु युक्त भिन्न भिन्न आकार के कण हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि गोल्ड साल में जो है अनेक परमाणु युक्त भिन्न भिन्न आकार के कण हो सकते हैं। सल्फर साल में 1000 या उससे भी अधिक सल्फर एसिड अणु वाले कण उपस्थित होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सल्फर साल में जो है सल्फर अणु जो हैं, ठीक है, उसमें अधिक अणु जो होते हैं 1000 से भी अधिक होते हैं और वह जो है आपस में इकट्ठा हो जाते हैं। गोल्ड साल में भी अनेक परमाणु होते हैं जो अलग अलग साइज के होते हैं, वह भी इकट्ठा होते हैं। तो इस तरह के कोलाइड्स जो हैं, ठीक है, जब एक लघु अणु एकत्रित होकर पुंज बनाते हैं और उनका जो सीमा है, साइज जो है कोलाइडी सीमा के भीतर आ जाता है, तो ऐसे कोलाइड को बहुआणविक कोलाइड कहते हैं। अब आप दूसरा नंबर देखें, बृहद आणविक कोलाइड। बृहद आणविक उचित विलायकों में ऐसे विलयन बनाते हैं जिनमें बृहदाणुओं का आकार कोलाइडी सीमा में होता है। तो बृहदाणु आप देख रहे हैं इसमें क्या होता है, उचित विलायक में ऐसे विलयन बनेगा जिसमें बृहदाणुओं का आकार किस में आ जाएगा, कोलाइडी सीमा के बीच में आ जाता है, कोलाइडी सीमा के अंडर आ जाता है। बृहदाणु उचित विलायकों में ऐसे विलयन बनाते हैं जिनमें बृहदाणुओं का आकार कोलाइडी सीमा में होता है, ऐसे निकाय बृहदाणविक कोलाइड कहलाते हैं। ठीक है, ये कोलाइड बहुत अस्थायी होते हैं और अनेक अर्थों में यथार्थ विलयन के समान होते हैं। तो आप देख रहे हैं यह कोलाइड जो होते हैं वे क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, ठीक है, और अनेक अर्थ में यथार्थ विलयन के समान होते हैं। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले बृहदाणविक कोलाइड के उदाहरण देखें, जो प्राकृतिक रूप से नेचुरल रूप से पाए जाते हैं बृहदाणविक कोलाइड, वे हैं स्टार्च, सेलुलोज प्रोटीन और एंजाइम, और मानव निर्मित बृहदाणु हैं पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीस्टायरीन, संश्लेषित रबर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बृहदाणविक कोलाइड क्या होते हैं। तो बृहदाणविक कोलाइड ऐसे कोलाइड होते हैं जिन्हें उचित विलायकों में ऐसे विलयन बनाते हैं जिनमें बृहदाणुओं का आकार कोलाइडी सीमा में होता है, ऐसे निकाय बृहदाणविक कोलाइड कहलाते हैं। ये कोलाइड बहुत अस्थायी होते हैं और अनेक कार्यों में यथार्थ विलयन के समान होते हैं। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले बृहदाणविक कोलाइड के उदाहरण है स्टार, सेलुलोज प्रोटीन, एंजाइम, जबकि मानव निर्मित जो बृहदाणु होते हैं वो है पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीस्टायरीन, संश्लेषित रबर। ठीक है, ये आपने देखा बृहदाणविक कोलाइड के बारे में। अब तीसरा देखते हैं सहचारी कोलाइड के बारे में, जिसे मिसेल कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझे सहचारी कोलाइड के बारे में। सहचारी कोलाइड अर्थात मिसेल, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कम सांद्रताओं पर सामान्य प्रबल वैद्युत अवघट के समान व्यवहार करते हैं। तो कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कम सांद्रताओं पर सामान्य प्रबल वैद्युत अवघट के समान व्यवहार करते हैं, परंतु उच्च सांद्रताओं पर कणों का पुंज बनने के कारण कोलाइड के समान व्यवहार करते हैं।
तो आप देख रहे हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कम सांद्रता पर अलग व्यवहार करते हैं जबकि अधिक सांद्रता पर अलग व्यवहार करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कम सांद्रताओं पर सामान्य प्रबल वैद्युत अपघट के समान व्यवहार करते हैं परंतु उच्च सांद्रताओं पर कणों का पुंज बनाने लगते हैं। जब कणों का पुंज बनाएंगे तो वह क्लोराइड के समान व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, इस प्रकार पुंजित कण मिसेल कहलाते हैं। ठीक है, तो कुछ पदार्थ जो हैं जो कम सांद्रताओं पर सामान्य प्रबल वैद्युत अपघट के समान व्यवहार करते हैं परंतु उच्च सांद्रताओं पर कणों का पुंज बनाने के कारण क्लोराइड के समान व्यवहार करते हैं, इस प्रकार पुंजित कण मिसेल कहलाते हैं। इस प्रकार के पुंजित कण क्या कहलाते हैं? मिसेल कहलाते हैं। ये सहचारी क्लोराइड भी कहलाते हैं। मिसेल को सहचारी क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, मिसेल केवल एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर बनते हैं जिसे क्राफ्ट ताप कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मिसेल जो हैं वह केवल एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर ही बनते हैं जिन्हें क्या कहेंगे? क्राफ्ट ताप कहेंगे। तो मिसेल केवल एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर बनते हैं जिन्हें क्राफ्ट ताप कहते हैं। यह सांद्रता एक निश्चित सांद्रता से अधिक होती है जिसे क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहते हैं। तो आप देख रहे हैं टेम्परेचर जो है वह एक निश्चित टेम्परेचर से अधिक है जिसे क्राफ्ट ताप कहेंगे और सांद्रता भी एक निश्चित सांद्रता से अधिक होती है जिसे क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहते हैं, CMC कहते हैं। ठीक है, तनु करने पर एक कोलाइड पुनः अलग अलग आयनों में टूट जाते हैं। तो आप देख रहे हैं सहचारी कोलाइड जो है वह तनु करने पर पुनः अलग अलग आयनों में टूट जाते हैं। पृष्ठ सक्रिय अभिकर्मक, इसको उदाहरण देखें, पृष्ठ सक्रिय अभिकर्मक जो हैं जैसे साबुन या संश्लेषित परिमार्जक किसी वर्ग में आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि साबुन और संश्लेषित परिमार्जक जो होते हैं वो कैसे कोलाइड होते हैं? सहचारी कोलाइड होते हैं और यह सब पृष्ठ सक्रिय अभिकर्मक होते हैं। साबुनों के लिए CMC का मान 10^4 से 10^3 मोल पर लीटर होता है। तो साबुनों के लिए क्रांतिक मिसेल सांद्रता का मान कितना होता है? 10^4 से 10^3 मोल पर लीटर होता है। इन कोलाइडों में द्रव विरागी या द्रव रागी दोनों ही भाग होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सहचारी कोलाइड में दोनों भाग होते हैं, द्रव रागी भाग भी होते हैं और द्रव विरागी भाग भी होते हैं। मिसेल में 100 या उससे अधिक अणु हो सकते हैं। जब यह मिसेल बनाते हैं तो उसमें 100 हो सकते हैं या फिर 100 से भी अधिक अणु हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि सहचारी कोलाइड से मिसेल भी करते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कम सांद्रता पर सामान्य प्रबल वैद्युत अपघट के समान व्यवहार करते हैं परंतु उच्च सांद्रता पर कणों का पुंज बनाने के कारण कोलाइड के समान व्यवहार करते हैं, इस प्रकार पुंजित कण मिसेल कहलाते हैं। ठीक है, ये सहचारी कोलाइड भी कहलाते हैं। मिसेल केवल एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर बनते हैं जिन्हें क्राफ्ट ताप कहते हैं। यह सांद्रता एक निश्चित सांद्रता से अधिक होती है जिसे क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहते हैं। ठीक है, तनु करने पर एक कोलाइड पुनः अलग अलग आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण कौन कौन है? पृष्ठ सक्रिय अभिकर्मक जैसे साबुन एवं संश्लेषित परिमार्जक इसी वर्ग में आते हैं। साबुन के लिए CMC का मान 10^4 से लेकर 10^3 मोल पर लीटर होता है। इन कोलाइडों में द्रव विरागी एवं द्रव रागी दोनों प्रकार होते हैं। मिसेल में 100 या उससे अधिक अणु हो सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको बताया जाएगा मिसेल निर्माण की क्रियाविधि के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।